प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार फकर यूसुफजई को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और दबंग वकील नाज़िया लायक खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें ये दोनों बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। स्टार्ट हो चुका है और इन सारी मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर रही हैं। वैसे तो बाय प्रोफेशन लॉयर हैं, लेकिन पॉलिटिशियन भी है, एनालिस्ट भी है, मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, स्पेशली बल्कि वुमेन राइट एक्टिविस्ट में कहूंगा, उस पर बहुत खुल के बात करती है। नाज़िया लायक खान हमें ज्वाइन कर रही है ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। नाज़िया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया नाज़िया। अच्छा नाज़िया, एक तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैं और आप क्या कोई भी हो तो मसले मसाइल बहुत रहे हैं, अब भी ताल्लुकात ऐसे नहीं है, खराब हैं, लेकिन बयानात कभी कभार उस तरफ से भी कभी इस तरफ से भी पॉलिटिकल लोग दे देते हैं, अच्छा लगता है हमें, बट यह कि आगे जाके उसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, ये एक अहम सवाल है। मरियम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट, सीएम है पंजाब की, पंजाब बॉर्डर काफी बड़ा शेयर करता है हिंदुस्तान के साथ, बाय रोड कनेक्टिविटी है अमृतसर के साथ, और जो भी लोग आते जाते तो लाहौर के जरिए वाघा बॉर्डर पे आते जाते हैं, क्या कहती हैं कि उनका बयान, यानी आपसे एज ए इंडियन नहीं पूछ रहा हूँ, एज ए मतलब इंडिपेंडेंट एनालिस्ट आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या नजर आ रहा है कि वाकई इसका एक इम्पैक्ट है, या उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया और बस बात खत्म हो गई। हाँ, मैं जब आपने इस टॉपिक के बारे में कहा कि हम कन्फ्रंट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो मैंने थोड़ा सा मुताला किया, और दो दिन पहले जब मैं दिल्ली में थी तो वहां पर भी मैंने इनकी न्यूज देखी थी। अच्छा, मरियम नवाज के बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जो मैं एक लड़की होने का तो फर्ज निभाना चाहिए मुझे, कपड़े बहुत अच्छे पहनती है, बहुत ज्यादा लोग ये बात करते हैं, बड़े खूबसूरत खूबसूरत और डिजाइनर और चप्पल जूता पूरा मैच करके पहनती है, हालांकि हम लोगों को इतनी फुर्सत नहीं मिल पाती है कि खुद को इतना सजा लें और उसके बाद पब्लिक के बीच में जाएं, तो हम बड़े बिखरे हुए रह जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है उनका कि बड़ी अप्रोप्रिएट रहती हैं और मैचिंग सारी चीजें होती है, यहाँ तक के शॉल और स्ट्रोल भी मैचिंग होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक युवा जेनरेशन, और बहुत ज्यादा ओल्ड एज की नहीं है, अभी मैं जवान ही कहूंगी मरियम नवाज को, अगर वाकई में वो एक युवा जेनरेशन को प्रोवोक करना चाह रही हैं, एक युवा जेनरेशन की आवाज बनना चाह रही हैं, युवाओं के बीच में जा करके अपनी बातों को रखते हुए वो काफी बार नजर आई हैं मरियम नवाज, और जिस तरह से वो पंजाबी और उर्दू और जितने भी आपके सिख हैं उनसे जा करके उन्होंने करतारपुर में जा करके उन्होंने 10 मिनट का गौर तालाब किया है और बातचीत किया है, और उन्होंने पॉजिटिव जेस्चर दिया है, जितना मैंने देखा पॉजिटिव एक जेस्चर दिया है, और पड़ोसी मुल्क मतलब हमारे भारत के लिए उन्होंने कहा है कि भाई नफरत नहीं फैलाना है, मोहब्बत फैलानी है, अगर वो इस बात पर टिकी रह रही है और इसके दूसरे ही दिन कुछ ऐसा भयंकर ना कर दिया जा रहा है, पाकिस्तान ना कर दे रहा है, तो तब तो मुझे इनकी बात दोबारा सुनने में मुझे अच्छा लगेगा। जैसे एज पर माई पर्सनल थिंकिंग, मुझे बाई नेचर मुझे महरंग बहुत पसंद आती है, बहुत पसंद जबरदस्त। जब मेरे सामने ये बात आई कि मुझे पीओ के विजिट करना है जुलाई या अगस्त में, तो मैंने ये अपनी ख्वाहिश को जाहिर किया कि मैं महरंग से मिलना चाहूंगी, बिकॉज बहुत पढ़ी लिखी है वो, और डॉक्टर है, हाँ, एडुकेशन के साथ साथ उन्होंने वो लॉयर नहीं डॉक्टर है, तो एडुकेशन के साथ साथ अपने अपने देश के लिए जज्बा, अपने देशवासियों के लिए जज्बा, बलोच के लिए वो जिस हिसाब से बैठ गई थी धरने पर, वो सारी चीजें बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, हमें भी अट्रैक्ट किया है कि चलो एक लड़की है जिसने इतनी हिम्मत पाकिस्तान जैसे जगह पर दिखाया है, अपने अपने आयरन लेडी कहते हैं उनको यहाँ पर, आयरन लेडी, नो डाउट, अपने लीगल राइट के लिए, अपने अपने स्टेट के राइट के लिए, अपने अपने लोगों के लीगल राइट के लिए उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मरियम नवाज दोनों देशों को जोड़ करके और दोनों देशों के लिए खूबसूरत बातें कर रही हैं,
तो अब तक तो बुरा नहीं है, इट्स वेरी गुड, इट्स अ वेरी पॉजिटिव जेस्चर, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन. जो भी मरियम नवाज ने कल किया है उसको हम बहुत पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं. इवन दिल्ली में भी एक आवाज उठी है कि मरियम नवाज शायद वो चाह रही हैं कि वो अपने फादर को भी वो कन्विंस करेंगी, अपने फादर को भी वो समझाएंगी, और क्योंकि उनके ग्रैंड फादर जो है वो भारत के पंजाब से वो टच करते हुए कर रहे थे, और एक जो हमारा जो एक रगों का खून होता है वो तो कहीं ना कहीं काम करता ही है. इसी पर मुझे एक बात याद आ गई, एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक बात याद आ गई मुझे कि मैं एक बार मेरे दादा अबू बात कर रहे थे कि एक बाल जो शायर थे उनके ग्रैंडसन वो एक इंटरव्यू पाकिस्तान के एक इंटरव्यू में बैठ करके वो कह रहे थे, हालांकि आपके पाकिस्तान के वो जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, इकबाल के पोते ग्रैंड जी बिल्कुल, तो वो कह रहे बेटे हैं उनके, उनके बेटे हैं वो, हाँ हाँ वलीद उनका ग्रैंडसन है, वलीद उनका ग्रैंडसन है, बिल्कुल बिल्कुल. तो वो कह रहे थे कि देखा मुसलमानों ने पाकिस्तान बना दिया और अब तो कश्मीर भी हम ले लेंगे. तो मुझे जब मैंने इतिहास के पूरे पन्नों को पढ़ा और मुझे सारी जानकारी मैंने ली, तब मुझे ऐसा लगा कि देखिए मुसलमान कुछ बना नहीं सकता है फकर भाई, मुसलमान बर्बाद जरूर कर सकता है, मुसलमान तोड़ जरूर सकता है, मुसलमान डेविस्टेट जरूर कर सकता है, पर मुसलमान कुछ बना नहीं सकता है. और अगर सही से बहुत सारी किताबों को, और ब्रिटिश ने आजादी के वक्त में जितनी भी किताबें लिखी उनको अगर निकाल करके सारे सत्य के आधार पर अगर बात किया जाए, तो एटली ने 1945 में तो ये क्लियर कर दिया था कि देश बटेगा नहीं, भारत वो देश अखंड ही रहेगा. सिर्फ पंजाब और बंगाल जहां पर बहुत ज्यादा लोकल ऑटोनॉमी है मुसलमानों की वो अलग कर दो, जिसमें जिन्ना भी राजी हो गया था, लेकिन पाकिस्तान का नक्शा खींच करके तो गांधी और नेहरू ने दिया था. तो पाकिस्तान बनाने वाला मुसलमान नहीं है, पाकिस्तान बनाने वाला भी हिंदू ही है, ठीक है ना. अगर सत्य के आधार पर हम बात करें तो पाकिस्तान बनाने वाला भी हिंदू ही है, और जिन्ना लियाकत से लेकर के सबने सिर्फ आज तक पाकिस्तान को बर्बाद किया है. अब पाकिस्तान की हालत, इकोनॉमी, GDP सारी चीजें बिल्कुल डेविस्टेट हो चुकी हैं, और ऐसे सूरत में, ऐसे कंडीशन में अगर मरियम नवाज ये चाह रही है कि देश के इस दुनिया के सबसे बड़े देश से वो दोस्ती का हाथ बढ़ा ले, या इस दुनिया के सबसे हाईएस्ट इकोनॉमी और GDP वाले देश भारत से वो अपनी दोस्ती को ठीक कर ले, अपने अपने फादर को भी वो कन्विंस कर ले, अपनी पार्टी को भी वो कन्विंस कर ले, और अपने एस्टैब्लिशमेंट और आर्मीज को भी वो कन्विंस कर ले, और जैसे वो आ जाता है लाल टोपी वाला, उसके बाद फिर जितने भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं वो कुछ ना कुछ ऐसी अभद्र टिप्पणियां कर जाते हैं कि फिर से वो चीजें बहुत दूर हो जाती हैं जो थोड़ी बहुत नजदीक भारत और पाकिस्तान में होती भी दिखाई देती हैं. अब जैसे इमरान खान ने कह दिया था हमें कोई भारत से ट्रेड करना ही नहीं है, हमें कोई बायलैटरल रिलेशन रखना, बंद करवा दिया था ट्रेड जो थोड़ा बहुत हो रहा था 2019 में, उसी ने तो बंद करवाया था, बंद करवा दिया. उसके बाद फिर अभी बीच में लाल टोपी वाले ने कह दिया कि भाई हमें तो गजवाए हिंद करना है, उसके बाद फिर वो एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी ने खड़े होकर के कह दिया कि मोदी को हम पूरे रस्सी से बांध करके हम अपने इस्लाम के तरीके से उसको लेकर के आएंगे, वो काफिर है. तो ऐसी जो अभद्र टिप्पणियों को अगर मरियम नवाज रोक सकती हैं, अगर मरियम नवाज को ऐसा लगता है कि वो अपने फादर के, क्योंकि फिर से उनके फादर बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम बन चुके हैं, उनके अंकल हैं, छोटे लेकिन आपस में बहुत अच्छा ताल्लुक है, तो अगर वो अपने नवाज सारे नवाजों को, अगर शहबाज शरीफ है नवाज शरीफ, हाँ, तो अगर वो सारे नवाजों को कन्विंस कर लेती है तो इट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान, इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर भारत. भारत ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल है और सारे मुस्लिम मुल्कों से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, बहुत अच्छा था, और हमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री को सर पलकों पे बिठाया जाता है, हमारे बायलैटरल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत अच्छे हैं, मुस्लिम कंट्रीज से बहुत अच्छे हैं. तो इन मैं सिनॉप्सिस या इन शॉर्ट या इन ब्रीफ में मैं इतना ही कहूंगी कि अगर मरियम नवाज इस चीज का बीड़ा उठा रही है और उन्होंने एक पहल की है, उन्होंने एक पॉजिटिव जेस्चर को दर्शाने की कोशिश की है, पर क्या ये पॉजिटिव जेस्चर कंटिन्यू रहेगा? क्या ये पॉजिटिव जेस्चर जो उनके मुंह से निकला है, जो उनके जुबान से निकला है कि नेबर कंट्री से हमारी कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए और हमें अच्छे सलूक के साथ सामने आना चाहिए, क्या 48 घंटे या 72 घंटे के अंदर उनकी आर्मी, उनका एस्टैब्लिशमेंट या उनके यहाँ जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है
वो ऐसी कोई भी अभद्र टिप्पणियां नहीं करेगा जिससे फिर बात और बुरी हो जाएगी और खराब हो जाएगी, क्योंकि होता यही आया है। अनफॉर्चुनेटली आपकी बिल्कुल, आपकी बात नाजिया बिल्कुल इससे मैं भी इत्तेफाक करता हूँ कि ऐसा होता। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे नाजिया खान जी ने पाकिस्तान को खड़ी खड़ी भी सुनाई। और मेरा भी यही मानना है, चाहे कुछ भी हो जाए, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते एकदम से नॉर्मल नहीं होने वाले, क्योंकि पाकिस्तान अपना दोगलापन छोड़ेगा नहीं। और जिस तरीके से भारत तरक्की कर रहा है, भारत को पाकिस्तान की इतनी खास जरूरत है नहीं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।